देश में जहां कोरोना का संकट दिनों दिन गहराता चला जा रहा है, वहीं ऐसे मुश्किल समय में आपदा को अवसर में बदलना तो कोई इन महाशय से सीखे। कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी से दो दो हाथ कर रही है, वहीं राजधानी दिल्ली में ये डॉक्टर साहब फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाकर देते हैं, वो भी मात्र 2400 रुपए में। जी हाँ, सही सुना आपने, दिल्ली में कथित फर्जी रिपोर्ट से जुड़ा एक मामला सामने आया है। 34 साल का डॉक्टर अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर और टेस्टिंग लैब के नाम से फर्जी रिपोर्ट बनाकर मरीजों को देता था। मामले में पुलिस ने डॉक्टर और उसके साथी को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों की पहचान मालवीय नगर निवासी कुश बिहारी और अमित सिंह के रूप में हुई है। दरअसल पुलिस को एक टेस्टिंग लैब से फर्जी कोरोना रिपोर्ट से जुड़ी एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद संबंधित धाराओं में पुलिस ने हौजखास थाने में मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले पर सीनियर पुलिसकर्मी का कहना है कि मरीजों को नर्सिंग स्टाफ मुहैया कराने वाले एक बिजनेसमैन ने 30 अगस्त को डॉक्टर कुश बिहारी से अपनी दो नर्सों को नौकरी पर रखने से पहले उनका कोरोना टेस्ट करने को कहा था, लेकिन डॉक्टर कुश ने कोरोना की फर्जी रिपोर्ट्स बनाकर भेज दी, जिसे व्यापारी ने अपने क्लाइंट्स को मोबाइल पर फॉरवर्ड कर दिया। इसके बाद जब इस रिपोर्ट को ध्यान से देखा गया तो इसमें मरीज का नाम ही गलत मिला, जिसके बाद क्लाइंट ने डायग्नोस्टिक सेंटर में संपर्क किया और नई रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। इस मामले में जब पेशेंट की जानकारियां डायग्नोस्टिक सेंटर के रिकॉर्ड में चेक की गई तो चौंका देने वाला खुलासा हुआ। रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि उस नाम से किसी भी मरीज का वहां कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। साउथ डिप्टी पुलिस कमिश्नर अतुल कुमार ठाकुर की माने तो कुछ मरीजों को कोविड-19 टेस्ट के लिए संपर्क करता था और उनके सैंपल लेता था। इसके बाद वो मरीजों को फर्जी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट बनाकर उनसे पैसे ठग लेता था। 2020 को हमारे पास एक कंप्लेंट आई एक रेप्यूटेड लैब की तरफ से कि उनके पास कुछ लोगों ने इंक्वायरीज की और उन्होंने पूछा कि जो टेस्ट रिपोर्ट्स उस लैब से जारी हुई थी क्या वो सही थी कि नहीं थी। जब उस लैब ने उन टेस्ट रिपोर्ट्स को चेक किया तो उनको पता चला कि वो जितनी भी टेस्ट रिपोर्ट्स थी वो फोर्ज थी। उसके बाद जो लैब था उसने हौसखास थाने में कंप्लेंट की, जिसके ऊपर तुरंत हमने FIR दर्ज की अंडर सेक्शंस 420 IPC। इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने उस व्यक्ति को कंसल्ट किया और उससे पूछताछ की जिसने वो रिपोर्ट उस व्यक्ति को दी थी। उसने ये बताया कि वो एक डॉक्टर के संपर्क में था जिसने ये रिपोर्ट्स उनको फॉरवर्ड की थी। जब उन डॉक्टर से पूछताछ की गई, जिनका नाम बाद में मिस्टर कुश बिहारी पराशर पता चला, जो 35 साल के हैं और MBBS डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने करीब दिल्ली के रिप्यूटेड 4-5 लैब्स की टेस्ट रिपोर्ट्स फोर्ज की और अलग अलग लोगों को जो उनसे वो रिपोर्ट मांगते थे उनको मुहैया करवाई। ये डॉक्टर और उसका साथी इतना शातिर था कि PDF और WhatsApp पर मिली फर्जी रिपोर्ट्स को देखकर असली और नकली रिपोर्ट्स का पता लगाना काफी मुश्किल है। अब तक ये आरोपी 75 से भी ज्यादा फर्जी रिपोर्ट्स मरीजों को दे चुका है। अपना जुर्म कबूलते हुए आरोपी डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि पिछले 2.5 महीनों से वो फर्जी रिपोर्ट्स का काम कर रहा था। एक रिपोर्ट बनाने का वो 2400 रुपए मरीजों से वसूलता था। डॉक्टर ने ये भी बताया कि उनके साथ इस काम में उनके एक एसोसिएट मिस्टर अमित सिंह, जो उनके जानकार थे और जो दिल्ली में ही रहते हैं, उन्होंने उनकी सहायता की। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास एक हेल्पर था जिसका नाम था सोनू। सोनू को PPE किट पहना के ये सभी लोग, जितने भी कंप्लेनेंट्स थे, जो लोग थे जो अपना कोविड का टेस्ट करवाना चाहते थे, उनके पास भेजते थे। सोनू बिना किसी ट्रेनिंग के PPE किट के पहन के उनके पास पहुंचता था और उनसे स्वाब कलेक्ट करता था और उनकी डिटेल्स शेयर करता था अमित के साथ, और अमित उन सभी व्यक्तियों की फोर्ज्ड रिपोर्ट्स बना के डॉक्टर पराशर के साथ शेयर करते थे, जो विक्टिम्स को देते थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है।
जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।